आप देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की, जहाँ भैरव और जितेंद्र को अपने आगे की पढ़ाई के लिए पटना आना पड़ा। भैरव बताते हैं कि वो और जितेंद्र बिहार के एक छोटे से गांव कुरसेला से हैं, जहां उन दोनों ने पहले तो प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त की, फिर उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। अब जब उन दोनों ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो उन्हें अपने भविष्य के लिए एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करना था। बहुत सोच विचार के बाद भैरव और जितेंद्र ने पटना के कॉलेज में दाखिला लेना उचित समझा। 2007 ये वो साल था जब भैरव और जितेंद्र ने पटना के कॉलेज में एडमिशन लिया था और साथ ही रहने के लिए प्राइवेट हॉस्टल में एक कमरा भी। हालांकि अब भैरव और जितेंद्र शहर में रहने लगे थे, मगर अभी भी शहर की एक बात जो उन्हें गांव की याद दिलाती थी वो थी बिजली का अक्सर कट जाना, जिस वजह से अक्सर रात में छत पर सोने जाना पड़ता था। एक दिन जितेंद्र ने भैरव को बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। भैरव इस पर चौंकते हुए बोलता है, क्या बात कर रहा है, मैंने तो तुझे कभी किसी लड़की से ना तो मिलते हुए देखा है और ना ही फोन पर बात करते, फिर ये सब कैसे हुआ। खैर ये छोड़ तू, ये बता कि भाभी का नाम क्या है। इस पर जितेंद्र कहता है, यार उसका नाम तो मुझे नहीं पता, कि वो हमारे हॉस्टल की छत से जो लाल बिल्डिंग नजर आती है वो वहीं रहती है। फिर भैरव ने पूछा, तू उस लड़की से कब मिला। तभी जितेंद्र ने कहा, अभी तक तो मैं उससे मिला नहीं, मगर जल्द ही मिलूंगा। इस पर भैरव बोला, जब तू उससे मिला ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि वो उस लाल बिल्डिंग में ही रहती है। फिर जितेंद्र ने कहा कि मैंने उस लड़की को बिल्डिंग की छत पर रात को अक्सर टहलते हुए देखा है, जैसे हम लोग लाइट जाने पर छत पर सोने जाते हैं ना, उसी तरह वो भी छत पर आती है। मैं उसे पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मगर कल रात तो उसने इशारा भी किया था और मैंने भी, मुझे पता है कि आज रात वो फिर आएगी। भैरव मन ही मन सोचने लगा कि छत पर तो मैं भी सोता था, फिर उसने उस लड़की को अब तक क्यों नहीं देखा। अब तक रात हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि जितेंद्र ने भैरव से कहा, चल यार छत पर चलते हैं। भैरव कहता है, क्यों आज तो लाइट भी नहीं गई है, फिर छत पर क्यों जाना। इस पर जितेंद्र भैरव से कहता है, यार कुछ तो समझा कर, दिल का मामला है। आखिरकार जितेंद्र भैरव को छत पर ले आता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, मगर वो लड़की अभी तक छत पर नहीं आई थी। देर रात जितेंद्र की अचानक ही आंख खुल जाती है। जब जितेंद्र ने उस छत की ओर देखा तो उसने पाया कि वो लड़की छत पर आ गई है। जितेंद्र भैरव को उठाते हुए बोलता है, अरे उठ यार, देख तेरी भाभी आ गई। भैरव अपनी आंख मसलते हुए कहता है, कहाँ है, अबे वो तो रही। भैरव ने जब उस ओर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं है। फिर भैरव ने कहा, तू क्या मजाक कर रहा है, कहाँ है, कोई तो नहीं है वहां पर। जब जितेंद्र ने देखा तो पाया कि वहां सच में कोई नहीं है। जितेंद्र बड़बड़ाते हुए बोला, अभी तो यहीं थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब जितेंद्र ने पीछे देखा तो पाया कि वही लड़की उसके पीछे खड़ी है। उसे देखकर जितेंद्र एकदम से हड़बड़ा गया और वो पीछे गिर गया। भैरव जितेंद्र को गिरते देख बोला, अबे अब तेरे को क्या हुआ, भूत देख लिया क्या जो इतना घबरा रहा है। जितेंद्र उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्यों तुझे सच में ये दिखाई नहीं दे रही है। इस पर भैरव कहता है, कौन ये, यहाँ कोई नहीं है तेरे सिवा। भैरव ने इतना बोला ही था कि जितेंद्र एकदम से हवा में उठ गया और फिर वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया, मानो किसी ने उसे नीचे फेंक दिया हो। उस हादसे के बाद जब पुलिस आई तो सस्पेक्ट भैरव को ही माना गया, मगर जब छानबीन हुई तो भैरव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से भैरव को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।